अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप लोगों को चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी दूंगी और इसकी मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी। बहुत आसान रेसिपी है। इसके लिए एक टिप है कि अगर आप एक दिन पहले से ही चावल उबाल के रख लें और वेजीज को काट के रख लें तो बनने में इसको सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं। 2 से 3 कप कच्चे चावल, उनको आप फुल बॉईल कर लेंगे। 250 ग्राम चिकन बोनलेस, उसको आप स्ट्रिप्स में काट लेंगे और 1/2 कप हरी प्याज का वाइट वाला हिस्सा, हरी प्याज का हरा वाला पार्ट वो भी 1/2 कप, 1 कप गाजर और मटर मिक्स और 1 कप शिमला मिर्च, इसको आप इस तरह से क्यूब्स में काट लेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए 3 से 4 जबे लहसुन के, उनको आप चॉप कर लेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 चिकन क्यूब, 2 चुटकी हल्दी, 2 टेबलस्पून दूध, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका, नमक हसबे जायका, 2 से 3 अंडे और कुकिंग के लिए मैं यहाँ पे सेसमी ऑयल इस्तेमाल करूँ। सबसे पहले अंडा तैयार करके एक साइड पे रख लेंगे, तो उसके लिए एक बोल में आप शामिल करें मिल्क, हल्दी, इसको अच्छा सा मिक्स करें, अंडे डाल दें और इनको फेंट लें। एक पैन लें, अगर नॉन स्टिक है तो बेस्ट है, उसमें ऑयल ऐड करें 1 से 2 टेबल स्पून और एग का मिक्सचर डाल दें। जैसे ही आप देखें कि अंडा पकना शुरू हो गया है तो आप इसको मिक्स कर लें, पलट लें। आप इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें और मेक श्योर आपने इसको पैन में ओवर कुक नहीं करना है। अगर अंडा कुक हो गया है तो उसको प्लेट में निकाल लें और प्लेट में निकाल के भी आप इसके पीसेस कर सकते हैं। अब एक पैन लें, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालें, फ्लेम हाई पे कर दें और गार्लिक को थोड़ा सा फ्राई कर लें, बर्न नहीं करना है। जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें चिकन शामिल कर दें। चिकन को 2 से 3 मिनट फ्राई करें या फिर बस इतना फ्राई करें कि ये अपना कलर पिंक से वाइट में चेंज कर ले। इसको ओवर कुक नहीं करना है वरना ये हार्ड हो जाएगा। अब इसमें गाजर और मटर शामिल कर दें, हरी प्याज का वाइट वाला हिस्सा वो भी ऐड कर दें, शिमला मिर्च ऐड कर दें और अब यहाँ पे फ्लेम को मैंने हाई से मीडियम हाई पे कर दिया है और अब मैं इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। स्टिर फ्राई करने के बाद इसमें जाएगा सोया सॉस, सिरका, काली मिर्चों का पाउडर, सॉरी मैं दिखाना भूल गई, 1/4 टीस्पून व्हाइट पेपर भी इसमें जाएगी। ये तमाम चीजें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करें। अब सब्जियों ने और चिकन ने जो पानी छोड़ा है उसमें आप चिकन क्यूब को डिसॉल्व कर लेंगे और एक स्पून की हेल्प से आपने इसको अच्छे से डिसॉल्व कर लेना है वरना ऐसा ना हो कि ये एज इज रह जाए। अब जो एग बना के रख लिया था उसको ऐड कर दें, साथ में ही हरी प्याज का हरा वाला हिस्सा वो भी ऐड कर दें और इसको मिक्स कर दें। अब जो पहले से बॉईल किए हुए चावल हैं उनको शामिल करें और आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने अभी तक इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया। सॉल्ट पहले ऐड नहीं करते वरना चावल अपने अंदर जो फ्लेवर्स हैं उनको नहीं लेता, लॉक हो जाता है और चावलों में मजा
नहीं आता, तो नमक हमेशा आप आखिर में चख के एडजस्ट करेंगे अगर ज़रूरत है तो। तो यहाँ पे मैंने चावल ऐड कर लिए हैं दो पोर्शंस में। अब आखिर पे चावलों को चख कर नमक शामिल करें अगर ज़रूरत है तो। तो लीजिए गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार चिकन।